Hello dear students and parents. So right now we are standing in front of hostel number 4. So in this university there are two hostels. So like there are many hostels, but there are two hostels which is under our observation. So this is hostel number 4, and there is one more hostel which I'll be showing you later, that is hostel number 1. So ये जो hostel number 4 है, ऐसे तो ये boys hostel है, यहाँ पे mainly लड़कों के लिए है, but कुछ लड़कियाँ भी हैं जो यहाँ रहती हैं. There is a separate area for them. So and there is one another hostel, hostel number 1, which is जो specially लड़कियों के लिए है, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं. तो अभी पहले हम आपको ये हॉस्टल दिखाते हैं, हॉस्टल नंबर 4 दिखाते हैं, फिर उसके बाद हॉस्टल नंबर 1 दिखाएंगे. तो राइट इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल इज लाइक गार्डन एरिया, देयर इज प्ले ग्राउंड, सो यू कैन सी. एंड नाउ वी विल एंटर इनसाइड द हॉस्टल. एज यू एंटर द हॉस्टल यू कैन सी देयर इज अ रिसेप्शन एरिया एंड देयर इज सिटिंग एरिया. अंदर आते ही जब हम इधर को जाएंगे, सबसे पहले हमारा ऑफिस आता है. तो यहाँ पे हमारा ऑफिस है. यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे हॉस्टल में कैमरास लगे हुए हैं, लाइक सिक्योरिटी विल नॉट बी अ कंसर्न. सो यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं, मेस से लेकर के सारे कॉरिडोर्स वगैरह लेकर. ऑफकोर्स रूम के अंदर कैमरा नहीं लगाए हैं क्योंकि प्राइवेसी की बात है, बट बाकी हर जगह पे हॉस्टल में कैमराज लगे हुए हैं. तो ये हमारा ऑफिस एरिया है, यहाँ पे हमेशा एक स्टाफ होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ, आप आके उनसे बात कर सकते हैं, जो भी बच्चे हैं आके इनसे सीधे बात कर सकते हैं. तो या आगे देखते हैं. राइट हियर एज यू एंटर देयर इज द मेस एरिया, द किचन एरिया. कम इनसाइड एंड आई विल शो यू. तो अभी शाम का टाइम है एंड डिनर चल रहा है, तो बच्चे यहाँ पे डिनर कर रहे हैं. तो ये मेस एरिया है. तो यहाँ पे डिनर रखा है, बच्चे आकर के खुद से लेकर के, या फिर यहाँ पे सर्व करने वाले भी हैं, लेकर के खाना खा सकते हैं. सामने ये मेस एरिया है जहाँ पे बैठ के बच्चे खाना खाते हैं. अदर साइड ऑफ द हॉल जो यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़कियाँ रहती हैं उनका मेस है, तो दूसरी तरफ लड़कियों का मेस है. यहाँ पे लड़कियाँ पे डिनर कर रही हैं. और यहाँ से जस्ट सामने हमारा किचन है, आपको अपना किचन भी दिखाएंगे. उधर यहाँ पे किचन है, यहाँ पे खाना बनता है, सामने सर्व होता है. और खाने के लिए तो आप किसी भी यहाँ के स्टूडेंट से पर्सनली भी बात कर सकते हैं कि हमारे मेस का खाना जो है वो बेस्ट है. तो यहाँ पे खाना बनता है, ये पूरा किचन एरिया है. अभी खाना बन के वहाँ सर्व हुआ है, तो अभी कुछ चीज़ें बन भी रही हैं. तो ये मेस एरिया है, ये किचन एरिया है, यहाँ पे खाना बनता है और सामने वहाँ पे सर्व होता है फ्रेश खाना. और जैसे ही यहाँ पे अंदर आएंगे, यहाँ पे हमारा दूसरा ऑफिस है, वो था सिक्योरिटी रूम जहाँ से कैमरास वगैरह हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरी की भी चीज़ें हैं, अगर इमरजेंसी में कोई बीमार होता है, कुछ दवाई चाहिए, तो वो सब वहाँ रखते हैं और वहाँ से वो सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं, कैमरा डिस्प्ले सब कुछ. और यहाँ पे दूसरा ऑफिस है, वो दिखाते हैं आपको. तो ये जो है यहाँ का प्रॉपर ऑफिस है, यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया, हमेशा कोई ना कोई एक प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कभी भी किसी को कोई भी जरूरत हो, किसी भी स्टूडेंट को हमारे, तो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकता है किसी भी, चाहे पर्सनल कोई हेल्प चाहिए या कोई पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई बीमार है, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई होता है, मोस्टली ये यहाँ पे होते हैं या फिर कोई ना कोई यहाँ होता है.
Now there are like several rooms. There are 4 floors and so many rooms. But in our hostel, there are only 2 types of rooms. Unlike other hostels, there are only either 2-seater rooms or 3-seater rooms. And there is also a place जहाँ पे बच्चे खुद से कुछ बनाना चाहें, वो सेल्फ कुकिंग एरिया भी है, स्टडी रूम भी है. तो वो सब आपको दिखाते हैं और आपको दोनों रूम में से एक एक दिखाते हैं फॉर आपको समझने के लिए. तो अभी ये जो है ये सेल्फ कुकिंग एरिया जहाँ पे बच्चे खुद से कुछ बनाना चाहें अपना, तो वो बना सकते हैं. यहाँ पे इंडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बर्तन धोने के लिए एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे है गीजर वगैरह सब लगा हुआ है और यहाँ पे अपना बना सकते हैं, खा सकते हैं. यहाँ पे फ्रिज भी है और इधर डाइनिंग एरिया है, बैठ के बना सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, चाय बनाना चाहिए कुछ भी. तो ये हो गया सेल्फ कुकिंग एरिया. और ठीक किचन के बगल में यहाँ पे है, हमने स्टडी रूम बनवाया है. तो अभी यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं लगे हैं, अभी बच्चे छुट्टियों में जा रहे हैं. जब छुट्टी से वापस आएंगे तो सितंबर तक यहाँ पे सब फर्नीचर्स लग जाएंगे. यहाँ पे हो गया कि हॉस्टल में जब नहीं, अगर पढ़ना चाहें रूम में नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं. तो ये बनाया है हमने स्टडी रूम हॉस्टल में. तो ऐसा होगा, अगर रूम में नहीं पढ़ना चाहते बच्चे तो यहाँ के पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ना चाहते हैं ऐसा कुछ तो यहाँ पे अभी फर्नीचर्स भी लग जाएंगे सितंबर से पहले पहले. तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास 2 तरह के रूम है हमारे हॉस्टल्स में, एक 2-सीटर है और एक 3-सीटर है. और यहाँ पे वो बंक बेड वगैरह वाला सिस्टम नहीं है. तो देख सकते हैं हमारे रूम्स कितने अच्छे हैं. तो ये है वन ऑफ द 2-सीटर रूम्स. अभी ये रूम आपको दिखा रहे क्योंकि अभी यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे आमने सामने 2 बेड लगे हैं. यहाँ पे बुक्स वगैरह रखने के लिए है. फिर इधर 2 टेबल्स हैं, एक ये वाला है इसमें बुक्स वगैरह रख सकते हैं. और फिर यहाँ पे 2 चेयर्स और कपड़े रखने के लिए कबर्ड्स. तो ये 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, कंफर्टेबल है और टेबल्स भी हैं, बैठ के आराम से बच्चे रूम में भी पढ़ाई कर सकते हैं. तो दैट वॉज द 2-सीटर रूम जहाँ पे 2 लोग रहते हैं. अब आपको 3 वाला एक रूम दिखाएंगे. तो ये जो रूम है इसमें 3 लोग रह सकते हैं. ये 3-सीटर रूम है. ये भी अभी खाली रूम है इसलिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई रह नहीं रहा है. तो यहाँ पे ऐसे 3 बेड लगे हैं, 3 शेल्फ टेबल और 3 वो बुक्स रखने के लिए पर्सनल सबको टेबल्स दिए हुए हैं. और यहाँ पे कॉमन टेबल है. अभी इसमें कोई रह नहीं रहा है, कबर्ड हो गया सामने तो अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है अभी खाली है. यहाँ पे कोई रह नहीं रहा इसलिए आपको दिखा रहे हैं, बिकॉज जिनमें बच्चे रह रहे हैं वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिर पसंद नहीं होता है उनका रूम दिखाना. तो हर फ्लोर पे यहाँ पे एक ऐसा ना कॉमन वॉश एरिया दिया हुआ है, आज वो आपको दिखाते हैं. यहाँ पे ऐसे बेसिन्स लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं फेस वॉश और ब्रश वगैरह करने के लिए. और गीजर भी है तो गर्म पानी है पूरे टाइम अवेलेबल. और ये वॉशिंग मशीन है जो हर फ्लोर पे, हर दोनों ही साइड पे लगे हुए हैं. हर फ्लोर पे है तो कपड़े धोने की कोई दिक्कत नहीं है. हर फ्लोर पे एक एक मशीन लगा हुआ है हर साइड, तो बच्चे आराम से अपना आके यहाँ पे कपड़े धो सकते हैं. और ये फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है. राइट नेक्स्ट टू द वॉशिंग एरिया इधर राइट साइड पे ये टॉयलेट्स हैं और इधर लेफ्ट में वॉशरूम्स हैं. तो यहाँ पे शावर एरिया है. सो तो हमने आपको एक चीज नहीं दिखाया था, ये जो आपको रूम दिखाया था हमने ऑफिस वाला सिक्योरिटी रूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अलग से कबर्ड दिया हुआ है.
एंड ये काइंड ऑफ बच्चों के लिए डिस्पेंसरी रखा है हमने कि अगर अचानक से किसी को कुछ होता है, रात में बीमार होते हैं या कुछ होते हैं, तो उसमें जितनी भी ज़रूरत की इमरजेंसी मेडिसिन जो भी होती है वो हम सब रखते हैं, और किसी को कोई दिक्कत हुआ तो वो यहाँ से आकर के जब चाहे ले सकता है। तो वी शोड यू ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स एंड रूम का भी दो दिखा दिया, हमारे पास दो तरह के रूम है, दो वाले और तीन वाले, तो आप समझ ही गए होंगे हॉस्टल कैसा है। एंड आई एम श्योर यू आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि वाकई में हमारा हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, और आपने देखा बंक बेड्स वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉपर है, खाना भी रहना भी सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है, आप खुद आकर भी देख सकते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे दूसरा हॉस्टल, जो हॉस्टल नंबर वन है, जो कि लड़कियों के लिए, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं, तो हमारे साथ एक फीमेल जो वहाँ की वार्डन है वो जाएंगी और हमें बताएंगी, सब दिखाएंगी। तो चलते हैं हॉस्टल नंबर वन। सो नाउ वी हैव कम टू हॉस्टल नंबर वन विच इज़ द गर्ल्स हॉस्टल, एंड एज यू कैन सी वी हैव टेकिंग लाइक प्रॉपर केयर ऑफ द सेफ्टी देयर, सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो ऑफकोर्स वहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइट रखा है, बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अबाउट गर्ल्स, लेट्स गेट इन। वैसे आई टेल यू कि दिस कंट्री इज़ लाइक वेरी 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 सेफ, बीट बॉय बीट गर्ल, बट स्टिल वी हैव टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी। Here there is always a security guard sitting. As you enter the hostel, you can see such a beautiful area. It's all like it's like you're sitting inside a garden. And यहाँ पे आप शाम में लोग बैठते हैं, बातें करते हैं. You can walk here. Can you believe it's the hostel? ये hostel के अंदर है हम. So now this is the actual part. Now we are entering the building of the hostel number one. Let's get inside. अंदर आते ही यहाँ पे सबसे पहले सिटिंग एरिया है, देन उधर रिसेप्शन है, वहाँ पे भी हमेशा कोई ना कोई होता है। और इधर अंदर आते ही इधर को हमारा मेस है, किचन है, जो आपको हम अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे भी अभी डिनर टाइम है, लोग डिनर कर रहे हैं, तो ये मेस एरिया है। दिस इज़ द मेस एरिया ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल। खाना सारा जो है वहीं पर हमारा बनता है, वो जो आपको किचन दिखाया था वहाँ से फिर यहाँ पे लाते हैं, सर्व करते हैं लड़कियों को। इन दिस हॉस्टल एज वेल हमारा यहाँ पे एक ऑफिस है, जहाँ पे हम जहाँ पे वही कैमराज वगैरह वो डिस्प्ले होते हैं, तो ये ऑफिस भी है और यहाँ पे वो सिक्योरिटी रूम भी है। यहाँ पे हमेशा वार्डन होती हैं, कभी भी किसी को कोई भी ज़रूरत हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने रूम के अंदर कैमराज नहीं लगाए, जो भी कॉरिडोर्स है, बाहर वाला एरिया है, मेस वाला एरिया है, वो सब जगहों पर सीढ़ियों के पास कैमराज लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमेशा ही एक फीमेल वार्डन होती हैं, जो कि जिसको जब भी ज़रूरत हो वो आके उनसे बात कर सकते हैं। सो राइट नेक्स्ट टू दिस यहाँ पे है चिताल निजाल द स्टडी रूम, तो यहाँ पर के आके बच्चे खुद से अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शांति से बैठ के अपना यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर्स भी हैं और कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, और यहाँ पे बैठ के अपना बच्चे पढ़ाई करते हैं अभी।
कुछ लड़कियां कर भी रही हैं। यहाँ पे जो है एक किचन दिया हुआ है सेल्फ कुकिंग के लिए, अगर खुद से कुछ बनाना चाहे कोई तो यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये गैस दिए हुए हैं, यहाँ पे वॉशिंग एरिया है एंड यहाँ पे ये दो फ्रिज भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे खुद का कुछ रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूम है, दो सीटर और नहीं तो कहीं कहीं पे तीन सीटर है। तो यहाँ पे आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये है ना कि हर रूम में अटैच टॉयलेट एंड अटैच बाथरूम, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे रूम के साथ ऐसे दिया हुआ है। फिर अंदर आएंगे तो इधर रूम है, यहाँ पे भी अभी कोई रह नहीं रहा है, रूम खाली है। दो बेड, दो फिर ये टेबल्स दिए हुए जिसमें अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं, स्टडी टेबल और यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हर रूम में यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है, हर रूम में सेंट्रलाइज हीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे कितनी भी ठंड हो ठंड की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये यहाँ हर जगह है, ये किसी भी हॉस्टल में आप जाएंगे हर जगह पे यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम रहता है, तो ठंड कितनी भी हो अंदर गर्मी रहती है। एंड यहाँ पे एंड में एक और सेल्फ कुकिंग किचन है, यहाँ पे भी अगर कुछ बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे भी अंदर फ्रिज है, गैस है, वॉशिंग एरिया है, तो ये दो दो दिया हुआ है फ्लोर पे, एक तो वो था बड़ा वाला और यहाँ पे एक अलग से छोटा सा दिया हुआ है। सो आई शो यू वन रूम मोर रूम, सो देर ऑलरेडी टू गर्ल्स लिविंग बट दे अग्रीड टू शो देयर रूम। सो यहाँ पे जैसे आपको नीचे दिखाया अटैच टॉयलेट अटैच बाथरूम हर रूम के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे अंदर दो बेड्स हैं और इधर नीचे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, टेबल है, स्टडी टेबल है, फिर इधर कबर्ड्स वगैरह ये सब दिया हुआ है। साथ में एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम सब कुछ है। तो यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे तीन लड़कियाँ रहती हैं। ये रूम बग गई, वो दो वाले रूम से थोड़ा बड़ा है, अगेन सेम अटैच टॉयलेट अटैच बाथरूम। और अंदर यहाँ पे सामने दो बेड है और इधर एक बेड है। सो ऑल्सो देयर इज फिल्टर्ड वाटर अवेलेबल इन ऑल द फ्लोर्स, लाइक यू कैन सी हियर, लाइक एनीबॉडी कैन कम एंड फिल देयर वाटर बॉटल्स, तो यहाँ से पीने का पानी ले सकते हैं ये फिल्टर्ड वाटर से। और ये हमारा गर्ल्स का वो वॉशिंग एरिया है जहाँ पे मशीन्स लगे हैं एंड दे आर ऑल फ्री, अपना यहाँ पे कपड़े धो के इधर सुखा सकते हैं, इधर भी जगह इधर सुखा सकते हैं, तो मशीन है कपड़े धोने की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर कपड़े धो के यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं, सामने ये पूरा वॉश एरिया है और बाकी दूसरे फ्लोर्स पर भी हैं मशीन्स कपड़े धोने वाले। एक रूम दिखाते हैं, यहाँ पे भी तीन लोग रहते हैं, अगेन सेम यहाँ पे है अटैच टॉयलेट अटैच बाथरूम वॉश एरिया विद मिरर, और यहाँ पे अंदर तीन लोगों का रूम। यहाँ पे कबर्ड है, टेबल है, सबको अपना टेबल दिया हुआ है, अभी इसमें कोई रह नहीं रहा, रूम खाली है। इधर भी एक टेबल है, बेड है। तो तीन लोगों के लिए काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा रूम है ये बाकी दो वाले रूम से। ऑन एवरी फ्लोर देर इज कैमराज ऑन आइदर साइड्स एंड देन देर यू कैन सी देर इज वाईफाई एज वेल हियर, वन वाईफाई एंड देन ऑन द अदर साइड, सो देर इज लाइक टू थ्री वाईफाई ऑन एवरी फ्लोर। तो वाईफाई भी प्रोवाइडेड है, सेफ्टी की भी कोई टेंशन नहीं है, कैमरा लगे हुए हैं और रूम्स तो आपने देख ही लिया।
और खाना भी बहुत अच्छा है, आप यहाँ के जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनसे रिव्यू ले सकते हैं। तो आई होप आपको हॉस्टल पसंद आया।